एक्चुअली हम लोग सुबह से जब 6 बजे उठते हैं और लगभग कंटिन्यूअस बीच में 5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद बीच में ब्रेक होती है लंच, और हर एक आधे घंटे के लगभग कंटिन्यूअसली 2 आवर्स की स्टडी के बाद लगभग आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रेस आए तो हम लोग बाहर जाके लगभग डिनर के बाद थोड़ा वॉक कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा आधे घंटे के लिए थोड़ा गाना सुन लेते हैं ताकि माइंड फ्रेश रहे और स्ट्रेस ना ले। एक्चुअली स्ट्रेस ना ले, मैंने पढ़ाई एक आपका काम है मेहनत करना, तो एक्चुअली मेहनत करते रहें तो ज़रूर एक्चुअली सक्सेस तो मिल ही जाएगा। अन्य छात्रों को क्या सजेस्ट करेंगे जो मानसिक तनाव को लेकर काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से एक्चुअली ज़्यादा टेंशन ना लें, एक्चुअली पढ़ते रहें। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, नीट इज नॉट ए हैपन 2 मंथ गेम, इट्स ऑल अबाउट द लॉन्ग जर्नी। सो कंटिन्यूसली अपना पढ़ाई करते रहें और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें तो एटलीस्ट लास्ट में तो सक्सेस मिल ही जाएगा। ठीक है ना, मैं बताता हूँ। अंकुर करते हो आप, और क्या शेड्यूल आपका है? सबसे पहले तो हम लोग जब लगभग 7 बजे के आसपास में उठते हैं, फिर उसके बाद से फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद से पढ़ने बैठ जाते हैं। तो उसके बाद से 12-1 बजे के आसपास में हम लोग की लंच होती है। लंच करने के बाद में थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, आधे 1 घंटे के लिए हम लोग सोते हैं। उसके बाद से फिर उठते हैं और फिर अच्छा, स्ट्रेस अगर आपके ऊपर आता है तो आप उसको दूर कैसे करते हो? कुछ नहीं, उतना सोचते नहीं है स्ट्रेस के बारे में। मतलब ये तो ज़्यादा मुझे लगता है कि जितना आप सोचेंगे उतनी ही स्ट्रेस बढ़ती जाती है, तो और थोड़ी सी बढ़ती भी है तो गाने वाने सुन लेता हूँ, कभी दोस्तों से बात कर लेता हूँ कि ऐसी ऐसी हो रही है, तो वो लोग बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है। मतलब स्ट्रेस मुझे तो लगता है कि आप सोचोगे ज़्यादा हो तभी स्ट्रेस बढ़ती है, ज़्यादा नहीं सोचोगे। आप अपना पढ़ाई करते रहो और रिजल्ट तो अपने आप आएगी। ठीक है ना, बता दें आपका। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है या पढ़ाई की होता है, शेड्यूल किस तरह का रहता है? जिस तरह से देखा जाए उस तरह से पढ़ाई का कोई स्ट्रेस नहीं है, और हमें लेना भी नहीं चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई का शेड्यूल आपका क्या रहता है? जी, मैं नाइट को पढ़ता हूँ और फिर इवनिंग टाइम क्लास जाता हूँ। जो बच्चे इस स्ट्रेस में रहते हैं उनको किस तरह से सजेस्ट करोगे पढ़ाई को लेकर? हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर स्ट्रेस हो तो फैमिली से बात कर लेनी चाहिए, मूवी देख लो, वॉक कर लो, मतलब स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, बताइए रौनक। स्ट्रेस रहता है आपको तो किस तरह से दूर करना? पढ़ाई का स्ट्रेस दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमें पूरी नींद लेनी है 6 घंटे की, कभी कभी एक्सरसाइज कर लें, बाहर टहल लें सुबह सुबह टाइम। पढ़ाई किस तरह का शेड्यूल रहता है आपको? जैसे कि मेरा सुबह क्लास रहती है 6 बजे से, तो मैं तो 6 से 1 क्लास जाता हूँ, फिर 2, 1 से 2 तक खा पी के आराम करता हूँ, 2:30 बजे मैं पढ़ने बैठता हूँ शाम के 7 बजे तक, उसके बाद फिर मैं खाने जाता हूँ और फिर 10 बजे सो जाता हूँ। कभी आपको लगा कि आप पढ़ाई पढ़ाई करते समय स्ट्रेस में आ रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्या करते हो आप? नहीं, पढ़ाई के समय स्ट्रेस तो नहीं आता, क्योंकि रोज का काम रोज करना होता है। जैसे 6 घंटे की क्लास है, 4 क्लासें होती हैं, तो चारों क्लास आके शाम में रिवीजन कर लें और टेस्ट टेस्ट हमेशा देते रहें, एक भी टेस्ट स्किप ना करें। अगर रोज का काम रोज होते रहेगा। जो स्ट्रेस में आते हैं बच्चे, उनको किस तरह की सलाह दें? स्ट्रेस में आते हैं बच्चे जो कि पहले तो घर वाले से बात करें, उनसे शेयर करें कि ऐसे ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, अपनी गलतियां समझें कि हाँ मेरे से कहाँ गलती हुई है। ये नहीं कि बस कोचिंग में ये करा रहे हैं, कोचिंग में वो करा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो थोड़ी हार्डनेस तो रहेगी ही रहेगी, सिलेबस इतना बड़ा है।